हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आप लोग देख सकते हैं, ये घर के बाहर मैंने पालक को लगाया है, हरा हरा पालक। तो नवरात्रि स्पेशल आज हम बनाएंगे पालक से व्रत वाला पालक का पकौड़ा। तो इसको हम इस तरह खोट लेंगे, इसको बोलते हैं अच्छे से हम तोड़ लेंगे, गांव में से बोलते हैं खोट लेंगे हम पालक को। इस तरह हरे हरे पालक को हम खोट लेंगे या फिर तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पालक को अच्छे से तोड़ लिया था, ऐसे अच्छे से मैंने धो लिया है। और ये मैंने 3 आलू ले लिया है, इसे भी अच्छे से छील के धो लिया है। तो सबसे पहले हम पालक को कट कर लेते हैं। ये पालक बिना खाद और बिना दवा और बिना मतलब जो भी होता है खाद और नहीं डाला है, ये एकदम शुद्ध है पालक। बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा पालक। तो इसे हम सबसे पहले कट कर लेते हैं बारीक बारीक एकदम। इस तरह हम बारीक बारीक सारा पालक अपना काट लेंगे। तो आलू को भी हम ग्रेट कर लेंगे, ये बड़े वाले ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये मैंने पालक ले लिया है, आलू को भी जो ग्रेट किया था उसे भी हम डाल लेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च डाल लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे तेखुर का आटा। तो इसे हम डाल देंगे 3 चम्मच। और ये मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा, हर दुकान पे मिल जाता है। अगर आपको तेखुर का आटा नहीं मिल सकता है तो आप सिंघाड़े का आटा ले लीजिएगा, और इसे भी आप डाल सकते हैं और इसे भी डाल सकते हैं। तो हम दोनों डालेंगे 3 चम्मच। और इसमें हम डालेंगे हरा मिर्च, 2 हरा मिर्च मैंने ले लिया है। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये भिगोया हुआ साबूदाना इसे भी हम डाल लेंगे, इसे भी हम 4 चम्मच डाल लेंगे। इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, पानी हम थोड़ा सा भी नहीं डालेंगे। हाथों की मदद से हम इस तरह इसका गोली बना लेंगे और इस तरह हम टिकिया का शेप दे देंगे। इसी तरह हम सारा बना के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसे हम एक एक करके डाल देंगे। अब इसे हम तुरंत नहीं पलटेंगे, इसे हम थोड़ी देर बाद पलटेंगे कि मेरा टूटे ना और अच्छे से नीचे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए नीचे से छूट गया, अब इसे हम धीरे धीरे करके इस तरह हम पलटेंगे। गैस की आंच हम थोड़ा धीम कर देंगे, इसे अलट पलट के इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। इससे अच्छा कलर आ जाएगा, तब इसमें हम इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही कुरकुरा ये पकौड़ा, आलू और पालक का पकौड़ा बन के तैयार होता है। अब व्रत में खाइए, बहुत ही टेस्टी होगा, बिने चटनी का भी खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट आएगा। तो एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो धीरे धीरे देखिए, ये अच्छा कलर मेरा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है धीरे धीरे। इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, धीम आंच पे फ्राई करेंगे क्योंकि अंदर तक मुझे पकाना है। अब एक एक करके इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए, फाइनली मेरा आलू और पालक का पकौड़ा एकदम बन के रेडी है। कमेंट में लिख के बताइए कैसा है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।